हे गाइस, वेलकम टू द एंड्रॉइड गाइड चैनल। एंड आज के इस वीडियो में मैं आपको रियलमी के ब्रिक ब्लूटूथ स्पीकर को कंपेयर करने वाला हूँ बोट स्पिन एक्स 2.0 के साथ, और मैं आपको बताने वाला हूँ कि इन दोनों स्पीकर्स में क्या क्या सिमिलैरिटीज़ एंड क्या क्या डिफरेंसेस हैं, क्योंकि इन दोनों स्पीकर्स में जो है आपको 500 रुपीज़ का डिफरेंस मिलता है, बट उस 500 रुपीज़ के डिफरेंस में आपको क्या कुछ प्रो फीचर मिलते हैं रियलमी में, और किस में आपको जो है वो डाउनसाइड देखने को मिलता है, वो सब कुछ जो है वो मैं आपको आज इस वीडियो में इन डिटेल बताने वाला हूँ। सो गाइस, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बट उससे पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तब आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं रियलमी के ब्रिक ब्लूटूथ स्पीकर से। तो इसमें आपको जो है वो 20 वॉट का डायनेमिक बेस बूस्टेड ड्राइवर मिलता है, जो बोट स्पिन एक्स में जो है आपको 12 वॉट का बेस बूस्टेड ड्राइवर मिलता है। दोनों ही में आपको डेडिकेटेड बेस बूस्टेड रेडिएटर्स जो है आपको मिल जाते हैं फ्रंट एंड बैक दोनों में। और जो यहाँ पर रियलमी ब्रिक ब्लूटूथ स्पीकर है, इसमें आपको 3 इक्वलाइज प्रीसेट जो है आपको मिल जाता है, और बोट में आपको जो है वो ये चीज़ नहीं देखने को मिलता है। रियलमी में आपको रियलमी लिंक ऐप के थ्रू आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, जो बोट में ऐप कंट्रोल नहीं दिया गया है। रियलमी में आपको जो है वो सुपर लो लेटेंसी गेम मोड मिल जाता है रियलमी ब्रिक ब्लूटूथ स्पीकर में, जो बोट स्टोन स्पिन एक्स में नहीं दिया गया है। दोनों ही में आपको 2 स्पीकर्स मिल जाते हैं पेयरिंग के लिए। और जो रियलमी ब्रिक ब्लूटूथ स्पीकर है, इसमें आपको 5200 mAh का बैटरी मिलता है, एंड बोट स्पिन एक्स 2.0 में आपको जो है वो 2200 mAh का बैटरी मिलता है। चार्जिंग पोर्ट के मामले में आते हैं तो रियलमी में आपको टाइप सी का पोर्ट मिलता है, एंड बोट स्टोन में आपको माइक्रो USB मिलता है। जो रियलमी ब्रिक ब्लूटूथ स्पीकर, इसमें आपको 14 आवर का बैकअप मिलता है, एंड बोट स्टोन स्पिन एक्स 2.0 में आपको जो है वो 8 आवर का बैकअप मिलता है। रियलमी में आपको जो है वो ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट मिलता है, एंड बोट स्टोन स्पिन एक्स 2.0 में ब्लूटूथ 4.2 का सपोर्ट मिलता है। रियलमी में आपको जो है वो IPX5 रेटेड वाटर रेजिस्टेंट मिलता है, एंड बोट में IPX6 रेटेड वाटर रेजिस्टेंट मिलता है। जो कलर ऑप्शंस है वो आपको रियलमी में जो है वो एक कलर मिलता है ब्लैक कलर, एंड बोट में आपको जो है वो 3 कलर मिलते हैं ब्लैक, ग्रे एंड ब्लू। और दोनों ही में आपको ऑक्स पोर्ट मिल जाता है, एंड दोनों ही में आपको हैंड्स फ्री कॉलिंग का सपोर्ट मिल जाता है। और जो प्राइस है वो रियलमी ब्रिक ब्लूटूथ स्पीकर का प्राइस है 2499 रुपीज़, एंड बोट स्टोन स्पिन एक्स 2.0 का प्राइस है 1999 रुपीज़। सो गाइज, यहाँ पे देख सकते हैं, इन दोनों में से अगर देखा जाए तो रियलमी का ब्रिक ब्लूटूथ स्पीकर जो है वो काफ़ी ऊपर निकल कर आता है इन कंपेयर टू स्पेक्स एंड हार्डवेयर्स। यहाँ पे आपको जो है वो 20 वॉट का स्पीकर मिलता है, जो बोट में 12 वॉट का स्पीकर मिलता है। और यहाँ पे आपको जो है वो रियलमी में आपको जो है वो ज़्यादा बैटरी बैकअप मिलता है, बैटरी का साइज़ बड़ा है, टाइप सी का पोर्ट दिया गया है, गेम मोड दिया गया है, और इसको आप जो है वो रियलमी लिंक ऐप के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। सो गाइज, यहाँ पे सब कुछ को कंपेयर करते हुए आप देख सकते हैं, इन दोनों स्पीकर्स में से जो है वो रियलमी का ब्रिक ब्लूटूथ स्पीकर जो है वो बहुत ही बेहतरीन जो है वो लाया गया है, तो आप जो है वो उस स्पीकर के साथ जा सकते हैं। सो गाइज, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो नीचे कमेंट करें, मैं आंसर ज़रूर दूंगा।